जहां जाइए पढ़ा से पढ़ा आदमी समझदार व्यक्ति यही पूछता है, सब बात तो प्रशांत जी ठीक है, आपका हर बात मान लिए, जाति से कैसे निपटिएगा? हम आपको बताते हैं जाति से कैसे निपटेंगे। हम आपको चार उदाहरण देंगे। 1984 में इस देश में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। आपसे पूछेंगे कि भाई कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता बिहार में कैसे मिल गई? राजीव गांधी के जाति के बहुत लोग तो बिहार में नहीं रहते हैं, तो कोई समझदार व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा कि वोट भैया जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उसके बाद जो सहानुभूति की लहर चली उसमें सब जात पात लोग भूलकर कांग्रेस को वोट दे दिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े लीडर चुनाव हार गए। आप इस बात को कागज पर लिख लीजिए कि 84 में एक बड़े नेता की मृत्यु हुई, एक बड़ी घटना हुई और उस घटना से की सहानुभूति से उपजी हुई लहर से समाज में जाति पाति टूट गया। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ? जनता दल ने पूरे बिहार झारखंड को स्वीप किया, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जनता दल को कैसे वोट मिल गया? बीपी सिंह के जाति के तो 3% लोग रहते हैं बिहार में। तो आप में से लोग बताएंगे कि भैया जात का बात कहां है? उस समय तो बोफोर्स इतना बड़ा मुद्दा हो गया, पूरा देश में भ्रष्टाचार के नाम पर, बोफोर्स के नाम पर नारा हुआ, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। लोगों ने जाकर कांग्रेस राजीव गांधी को हटाने के लिए, बीपी सिंह को जिताने के लिए वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? लालू नीतीश जातीय समीकरण सब धरा का धरा रह गया, भाजपा वाला 30-32-35 सीट जीतकर चला गया। आप लोग बताएंगे कि भाजपा का यहां ताकत थोड़े ना है, वो तो 14 में जो मोदी जी का लहर चला उसमें भैया युवा बुजुर्ग सब आदमी जाकर मोदी को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? 40 में 39 सांसद एनडीए का जीत गया। आप बताएंगे कि भैया बहुत कांटे का मुकाबला था, जो पुलवामा हुआ ना उसके बाद जो आग लगी कि भैया घर घर से आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। ये चार आपको मैंने घटना बताई जो पीछे हुआ है, आगे होगा छोड़ दीजिए, पीछे जो हुआ है। 84 एक घटना है और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर, 89 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स उससे बनी हुई लहर, 2014 एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी उसकी बनाई हुई लहर, 2019 विचारधारा राष्ट्रवाद राष्ट्रीय सुरक्षा उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है? अगर कभी कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई घटना, कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को, समाज के विश्वास को जीत ले तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, करता रहा है, आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, ये आपको प्रमाण दे रहे हैं। फिर आपको काहे लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? हम बता रहे हैं क्यों लगता है, क्योंकि हमने चार इलेक्शन का उदाहरण दिया, बीच में 5 गो और हुआ, उसमें ऐसा कोई बात नहीं हुआ। तो जब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई अलग दिखने वाली विचारधारा प्रयास नहीं है, तो समाज भी कहता है कि दोनों जो लड़ रहा है तो एक जैसा है, तो चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। जब कुछ नहीं है तो अपने जाते को पकड़ लेते हैं। अब कुछ आदमी इसमें ऐसा है जो मानेगा नहीं, कहेगा भाई तो लोकसभा का आप उदाहरण दिए हैं, विधानसभा में जात ज्यादा चलता है। तब आपको एगो विधानसभा का उदाहरण दे देते हैं। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा एक साथ लड़े और इस बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा 206 सीट जीतकर वो लोग आए। सामने उनका मुकाबला था लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान जी, तीनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। तब मोदी भी नहीं थे, तब अमित शाह नहीं थे, भाजपा की इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने उस एनडीए को 206 सीट जिताया था। 2020 में फिर मुकाबला हुआ, एक बार फिर भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ
और सामने से लालू जी और उनका लड़का रामविलास जी तो रहे नहीं, और कमजोर कांग्रेस, मतलब उनका जिनसे मुकाबला था उसकी ताकत कम हुई। फिर भी 2020 में 2006 छोड़िए 125 आने में दम निकल गया। तो एनडीए को जिन जातियों ने वोट दिया था 2010 में, वो सब लोग बिहार छोड़कर चला गया? नहीं, वो 206 सीट इसलिए आया था कि समाज के हर वर्ग को ये लगा था कि 2005 से 2009 के बीच, लोग कहता है नीतीश जी का जो पहला टर्म था उसमें काम हुआ था, तो काम भी था और जाति का समीकरण भी था, तो 206 सीट मिला। आज 2020 में जब काम नहीं दिखा, कोरोना में लोगों को दिखा कि ये तो कुछ नहीं बनाया किया है, तो कितनों मोदी जी ताकत लगा लिए, कितनों अमित शाह ने प्रबंधन कर लिया, कितना भी गणित बैठा लिए, 125 सीट नहीं आए। जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति का कोई महत्व नहीं है, जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है, जाति भी एक फैक्टर है। वोट देते समय 20 विषय है, उसमें जाति भी एक विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आपको राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करनी है, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि जाति नहीं रहेगा, धन बल बाहुबल नहीं रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा तब हम राजनीति में आएंगे। तो मेरे भाई, ना सब अच्छा होगा ना आप राजनीति में आइएगा। और एक बार को मान लीजिए सब अच्छा हो जाए, तो फिर आपके आने की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को रहना चाहिए।